कल को तो कोई पंजाबी कोई शेर शेर नहीं करे कम से जिंदा नहीं जाने देता। जे जंगल कैसा वहां पे, जे कोई रहता जहां पे जंगली जानवर रहता कोई? ऐसे ही है, कोई नहीं रहता है। कोई की जय भारत माता की, जय वंदे मातरम, वंदे मातरम। सो हिज यूट्यूब फैमिली, माय नेम इज अंशु डोगरी ब्लॉग, जिसे खाने में पसंद है डोसा और वीडियो में डालता हूं ओनली शोशा। तो आज मैं कहां पे खड़ा हूं आप देख के हैरान होंगे, पीछे इतना पानी कहां पे आ गया आपका भाई? आपका भाई आया भाई चिनाब रिवर बकोर, जो मेरे घर के बिल्कुल पास है, मन्नत के घर के पास। तो अब रिक्की भैया भी आ रहे हैं पीछे पीछे, उनसे बात करेंगे। साहिल भैया भी आ रहे हैं, उनसे बात करेंगे कि उनसे पूछेंगे कि आपको डर लगता था नहीं लगता। बस ब्लॉग में इंजॉय करना भाई, वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, ताकि आपका भाई ऐसे ऐसे एक वीडियो और कंटेंट लाता रहे। तो आ रहे हैं पीछे रिक्की भैया, उनसे बात करते हैं, बस अपने वीडियो के अंत तक बने रहना। तो फाइनली गाइस आ गए रिक्की भैया, ठीक है, जो मिले थे हमें नड्ड में। भैया कैसे हो? ठीक ठाक। इधर देखो ना, हेलो कर दो, वीडियो सारी देखते हो, कैसी लगती हैं? ठीक है। जे जंगल कैसा वहाँ पे, जे कोई रहता जहाँ पे जंगली जानवर रहता कोई? ऐसे ही है, कोई नहीं रहता है। कोई नहीं रहता। जे पानी आज ज्यादा हो गया ना, कम है, आपको डर नहीं लगता आपके घर पास? हमें क्यों लगना, हमको तैरना आता है। तैरना आता है, अगर इधर पानी आ जाए आप कोस करो कि आपके पास ही अभी पानी आ जाए, आप बीच में डूब जाओगे? जहाँ नहीं मैं डूब जाऊंगा, आप तो डूब जाओगे। आप मुझे तैरना नहीं आता भाई। तो ये जंगल में इधर कोई नहीं रहता जानवर, ऐसे ही है जंगल, पंछी। तो बाकी इधर पानी घटता बढ़ता रहता है ना, अभी बस आ रहा है इसका सीजन, बढ़ने वाला पानी आ रहा। इधर पुल भी बन रहा था ना, कहाँ पे बन रहा है? सामने। तो आपको मजा आता है वहाँ पे? मौसम कैसा रहता है वहाँ पे? ठीक रहता है, सर्दी में होती है ठंड। जब बोलते हैं ना कि फ्लड आ गया, तब तो डर तो होता है अंदर इंसान के। हाँ होता, थोड़ा सा, इतना नहीं, इतना नहीं होता। तो गाइस ये हैं साहिल भैया। भैया कैसे हो? किसने रखी है बकरी? किसने रखी है? कौन सा किसान? नाम क्या है? नाम ही नहीं मालूम यार। नाम नहीं मालूम? नहीं। कितनी रखी है उन्होंने? मालूम नहीं है। कितनी रखी है? पाँच छः, ग्यारह। ग्यारह रखी है या पाँच छः? ग्यारह। ग्यारह तो और साल में क्या रखे उन्होंने? गोट रखी है और कुछ रखा है? जनाब जी एक मिनट, हम गए हैं नाडे बाबे बाबे की जगह। हाँ जी हाँ जी। हम उसे कोई अठ लड़के अंदर लेटे रहे थे। अच्छा अच्छा। और पंजाबी सर ने बदतमीज करे, हम अपनी लहर बिच है, कोई चार पांच लड़के रंगपुरी थे जो अभी अस्पताल में है। दो तीन वो कहाँ पे अभी? अस्पताल हॉस्पिटल है। वो क्या कर रहे हैं? पंजाबी है। क्या कर रहे हैं? पंजाबी थोड़ी अस्पताल है। आपको आपको क्या किया उन्होंने, पूरी बात बताओ मुझे। हम चार लड़के हम लेटे थे, पाँच छह लड़के। हाँ जी हाँ जी। एक लड़का हमारा उठा वीडियो बना रहा, हमें बोलता बहन चो वीडियो कट दे यार, बेइज्जती होती है नहीं, पंजाबी आ गया गंदी गंदी बात गाल निकालते हैं। हाँ। मेरे का ये बीनती है रंगपुरी लोग को, बस को हमको माफ़ी मांग जानू, मैं तुमसे गुस्सा में मांग जाऊँ तो। हाँ कल को तो कोई पंजाबी कोई शेर शेर नहीं करे, कम से जिंदा नहीं जाने। ताड़ियाँ। हम जम्मू के लड़के हैं। जम्मू के? हाँ। भाई साहब मेरे मित्र है और एक निपर कौन है, एक लड़का है मेरा खास मित्र है। ये कौन है? ये मेरा हमारे मेरा चाचा लड़का है। अरे की ये जो इन्होंने बात बताई, आप ही नड गए थे इनके साथ, सच में ऐसा हुआ कुछ? हुआ क्या हुआ था आप बता सकते हो? मुझे इतना पता नहीं, इतना पता ये वीडियो बना रहे थे उनकी लड़कियों की। गलती किसकी है? वीडियो तो यही बना रहे, गलती इनको लड़कियों की वीडियो बनानी, वो आपको कुछ करी। आप लड़कियों की वीडियो बना रहे थे? सर हम पूरे हम पूरी दुनिया के वीडियो बनाते हैं, हम कोई लागो नहीं बनाते। बात बिल्कुल सही कही, अपनी मर्जी है, कैमरा अपना है ना। हाँ, वीडियो देखो, अगर मैं अभी वीडियो बना रहा हूँ रिक्की की, तो पीछे आ रहा चिनाब रिवर, तो इसमें किसकी गलती है? नहीं इसे तो फोकस उधर ज्यादा लगाया था ना, फोकस ज्यादा लगाया था भाई। फिर सर हमारे बंदे गए थे एक नंबर, नहीं पहले ये था अस्पताल में कौन है, रंगपुरी है ना, पंजाबी है? नहीं रंगपुरी है, उनको मार। अगर वो आपको इस समय आए आपके पास माफी मांगने, आप माफ कर दोगे ने? कौन सर? पंजाबी है सर। साले को गोली मारनी चाहिए नहीं लड़के को, गोली मारनी चाहिए। हाँ। छोड़ो जो हो गया वो हो गया, हो गया यार, तो जो हमारी देश ही हो गई हमारे गांव की। मैं बकूर रहता हूँ, मैं उनके का हाथ बनता हूँ गोली से, मैं माफ समा कर दे, कोई बात हमारे हम सुख दुख पर रोने आ गए थे।
चलो छोड़ो, जो हो गया भाई। आज की वीडियो में बस यही बताना था कि साहिल भैया मिल चुके थे, साथ में रिक्की भैया आ चुके थे। जो वीडियो देखते हैं, वीडियो देखते हो मेरी? हाँ। वीडियो देखते हो मेरी? हाँ, बहुत अच्छी है, बहुत अच्छी है। थैंक यू भाई, ऐसे सपोर्ट करते रहो। अपने शौक दी हम बनेंगे, चल कोई बन के, कोई कोई गाल होती है, गाल है क्यों निकालेगी पंजाबी के? अब जब अगली बार मेल होगी आप नट जाओगे? खुद जाएंगे यार, डरना यार, ऐसे होता रहता लोगों की, ऐसे दिमाग पागल होता है यार। सर डर होता चोर होता है, हमारे कोई डर नहीं होता, मौत आनी है सारे जाने। भाई बात बिल्कुल सही कही आपका, वो सल्यूट है मेरी तरफ से भाई। चंडे चंडे मर भी आना ना। भारत माता की जय, भारत माता की जय, वंदे मातरम, वंदे मातरम। तो गाइस एक बीबी जेड आ रहा है गोट का, तो जहाँ पे है चिनाब रिवर, जहाँ पे रिक्की भैया, भैया किसने रखे हैं जे? किस मनु हमारे दोस्त है, उन्होंने रखे हैं। उन्होंने रखे हैं, कितने उनके पास? पांच। पांच। तो गाइस जेज आ रहे हैं, कितने क्यूट क्यूट लग रहे हैं, खा रहे हैं इधर हरी हरी घास, इधर पी रहे हैं पानी। हेलो कर दो, हेलो हेलो, एक फोटो खींच सकता हूँ उनके। गाइस ये चिनाब रिवर, कितना पानी हो गया यार, ठंडा ठंडा एंड कूल कूल, गर्मी में नहाने का मज़ा आ जाता है यहाँ पे। तो भैया बोल रहे थे बात करनी है कुछ, साहिल भैया से बात करते हैं, उनका नड गए थे, उनके साथ कुछ हुआ पता नहीं, वो बता रहे थे कि उनसे बात करनी है, उनसे पूछेंगे सब कुछ। तो पानी बहुत ठंडा गाइस, आप भी अब कोरबा लेती नाव रिवर में। गाइस सब कुछ हो गया, अब मैं जा रहा हूँ फिर से घर की ओर। तो वीडियो कैसी लगी कमेंट में सभी ने बताना है। तो मिलते हैं कैसी नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय टाटा रिक्की भैया, लव यू ऑल टू फैमिली।